Hello students, how are you? I hope you are fine. Today we will see the third chapter of your book, mathematics book, that is R.S. Agrawal. Okay, so let's see today's class. What are the topics we have to discuss? The topic name is operations on whole numbers. Okay, what operations on the whole numbers? In operation you will study what addition, subtraction and multiplication as well as division also. Okay, operation mein ये आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप पढ़ेंगे और इनका ऑपरेशन कैसे, किसके ऊपर? होल नंबर्स के ऊपर. ठीक है, मींस एडिशन करना है तो एडिशन क्या है? ऑपरेशन है होल नंबर्स को ऐड करना. ठीक, या सब्ट्रैक्ट करना, या मल्टीप्लाई या डिवाइड. ओके, सो इसके एडिशन करने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स ऑफ एडिशन. सो लेट्स सी, इट इज एज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी? व्हाट इज इट? इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, मीन्स व्हाट? A and B, any two whole numbers, okay? Then A plus B is also a whole numbers. For example, if we consider A equal to 2, B equal to 3, then A plus B equal to 1, 2 plus 3 equal to 5. Okay? So 2 and 3 are what? Whole numbers. क्या है whole numbers? 2 और 3. So 5 is what? Also a whole numbers. It means in closure property कि जब हम कभी दो whole numbers को add करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? एक whole number ही मिलेगा. Are you getting? Good. So it's your क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ कम टू सेकेंड कम्यूटेटिव लॉ. व्हाट कम्यूटेटिव लॉ? इन कम्यूटेटिव लॉ, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. इट मीन्स अगर अपने पास दो होल नंबर्स हो, ए और बी, और उन दोनों को मैं ऐसे ऐड कर लू ए प्लस बी. ओके, राइट डाउन द फर्स्ट ए देन आफ्टर बी. अगर हम पहले ए को ऐड करते हैं बाद में बी को, उसके बाद उनके सीरियल नंबर को क्या करें? चेंज कर, ऑर्डर को चेंज कर. ठीक है, यहां फर्स्ट पोजिशन क्या था? ए, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं? बी करते, और बी की जगह क्या करते हैं? ए. सो रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती. मीन्स यहां पर भी एड करेंगे तो हमें होल नंबर मिलेगा. ठीक, और यहां पर भी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? होल नंबर ही मिलेगा. ओके, सो और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ऑर्डर की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या ऑर्डर? जब आप कभी भी किसी भी नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करते हैं, होल नंबर्स को जब ऐड करते हैं, तो उनके ऑर्डर को चेंज करने के से उनके रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती. लेट्स सी बाय एन एग्जांपल, इफ वी हैव ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5. ओके, सो नाउ इन द फर्स्ट वन ए प्लस बी, सो फाइंड आउट ए प्लस बी, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8. ओके, नाउ अब क्या करें? इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, मींस बी प्लस ए कर दें. ठीक है, तो बी प्लस है तो बी की वैल्यू क्या है? 5, और देन आफ्टर ए की वैल्यू. ठीक, तो 5 प्लस 3 क्या मिला? 8.
ये दोनों क्या हुआ, वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई, बट ये दोनों क्या है, होल नंबर है ना, तो वैल्यू भी सेम होगी, ऑर्डर कुछ भी होगी लेकिन वैल्यू क्या होगी, सेम होगी और होल नंबर भी होगी। आर यू गेटिंग ना, गुड। नाउ कम टू थर्ड एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी होल नंबर ए बी सी वी ऑलवेज हैव ए प्लस बी इन ब्रैकेट आउट ऑफ ब्रैकेट बी प्लस प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी। मीन्स अपने पास कोई थ्री नंबर्स हो वो कैसे होल नंबर्स के ए बी और सी, ठीक। जब हम इनको ऐसे ऐड करें कि बी ए और बी को पहले, देन आफ्टर जो सम आया उसमें क्या ऐड कर दें, सी को, ठीक। जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू, सेम वैल्यू आएगा कब, लेट्स सी। अब यहां पर ए बी के साथ था तो ए को बाहर कर दें और बी और सी को एक साथ ऐड कर दें, तब पर भी इनका रिजल्ट क्या आएगा, सेम। मीन्स इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट सेम आएगा। ओके, सो लेट अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। सपोज ए इक्वल टू व्हाट, टू, बी इक्वल टू थ्री, सी इक्वल टू फोर। ओके, सो नाउ लेट सी ए प्लस बी इन अ ब्रैकेट एंड आउट ऑफ ब्रैकेट प्लस सी। सो व्हाट विल द रिजल्ट, 2 प्लस 3 इन अ ब्रैकेट एंड आउट ऑफ ब्रैकेट प्लस 4। नाउ 2 प्लस 3 5 प्लस 4 व्हाट यू गेट, 9। ओके, नाउ सी हियर आई विल चेंज द ऑर्डर। ओके, मैं इनका ऑर्डर चेंज करता हूं, देखें क्या होता है। ए बाहर होगा और बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर। नाउ सी ए क्या है, 2 प्लस बी क्या है, 3 और सी 4। आर यू गेटिंग, लेट्स सी 2 प्लस, नाउ 3 प्लस 4 7, ब्रैकेट्स बाहर होगा, 2 प्लस 7 क्या होगा, 9। अब चेक करिए ये 9 और ये दोनों क्या है, सेम है, ऑर्डर चेंज हो गए बट वैल्यूज क्या हुई, सेम। सो दिस रूल इज नोन एज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। आर यू गेटिंग, एसोसिएटिव लॉ ऑफ व्हाट, एडिशन, ऑफ व्हाट, एडिशन। आर यू गेटिंग, गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सो व्हाट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, लेट्स सी। इफ ए इज एनी होल नंबर देन ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। मीन्स अगर हमारे पास ए कोई वैल्यू हो, होल नंबर हो, तो क्या हो, अगर उस ए में जीरो को ऐड करें या जीरो में ए को ऐड करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, सेम नंबर, वही नंबर इटसेल्फ हमें मिलेगा। ओके, कैसे, लेट्स सी बाय एन एग्जांपल। ए इक्वल टू टू, ओके, सो टू प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस टू, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, टू इक्वल टू टू। मीन्स यहां पे टू में जीरो को ऐड करें तभी टू मिलेगा और जीरो में टू को ऐड करें तभी हमें क्या मिलेगा, टू। इट मीन्स जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें उनके रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग, गुड। सो नाउ नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, व्हाट स्क्वायर मैजिक। ओके, व्हाट स्क्वायर मैजिक, हियर इज अ स्क्वायर एंड इन दिस यू विल गेट अ मैजिक। व्हाट टाइप ऑफ मैजिक, अंडरस्टैंड केयरफुली एंड बिहाफ ऑफ दिस यू विल मस्ट गेट अ क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज। सो कीप साइलेंस एंड कीप वॉचिंग ऑन दिस बोर्ड एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। ओके, लेट्स सी, हियर आर कॉलम्स एंड रोज। ओके, ऑल दिस वन रोज एंड दिस वन व्हाट, कॉलम्स। ओके, और यहां से और यहां ये जो डायगोनली होता है इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या होता है, डायगोनल। आर यू गेटिंग, गुड। नाउ सी रो फर्स्ट को हम आर वन से शो कर सकते हैं, ठीक है। सो रो फर्स्ट में आर वन में चेक करें कितना आता है ऐड करने पर, 9 टू 11 और 7 18। ओके,
नाउ आर टू में कितना आता है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18. नाउ आर थ्री में कितना आता है, 5 प्लस 10 15 प्लस 3 18. आर गेटिंग? नाउ कम टू कॉलम, कॉलम फर्स्ट व्हाट यू गेट, 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18. नाउ कम टू रो टू कॉलम टू, सो 2 प्लस 6 8 प्लस 10 18. नाउ कम टू कॉलम थर्ड सी 3, 7 प्लस 8 15 प्लस 3 18. मींस रो में जो भी नंबर दिए हैं सबको ऐड करने पर भी कितना है 18, और कॉलम में भी ऐड करने पर क्या आया 18. आर यू गेटिंग? ये मैजिक ध्यान से देखिएगा. नाउ डी वन मीन्स डायगोनल ऐसे और डायगोनल ऐसे, ठीक है. सो 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18 एंड डी टू मीन्स डायगोनल 2 7 प्लस 6 30 प्लस 5 18. व्हाट यू आर गेटिंग? आपको क्या मिल रहा है ध्यान से देखिए. चाहे आप कॉलम वाइज ऐड करें, चाहे रो वाइज ऐड करें, चाहे डायगोनल वाइज आप ऐड करें, बट एडिशन क्या है आपका 18. इट्स योर मैजिक. ओके, ये क्या आपका मैजिक है. आर यू गेटिंग इट? तो आपको ऐसे ही सपोज मान ले यहां पर ये ब्लैंक कर दे, ठीक, क्या कर दे ब्लैंक, और क्या करें सपोज मान लीजिए यहां पर भी ब्लैंक कर दे, ठीक. अब आपको ऐड करना है तो कैसे पता चलेगा यहां क्या फिल करेंगे? तो देखिए यहां पर आपको एक दिया हुआ 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18. इट मींस सम क्या होना चाहिए, सब 18 होना चाहिए. तो चेक करें 18 होना चाहिए, तो 2 प्लस 10 12, तो यहां कितना आना चाहिए 6, तभी तो 18 होगा, 12 प्लस 6 18. क्लियर? नाउ अब यहां पे क्या लिखा जाए कि 18 कंप्लीट हो जाए, तो इधर से भी 18 आना चाहिए, इधर से भी 18 होना चाहिए, ठीक है. तो चलिए पहले इधर से कंप्लीट करते हैं, 2 प्लस 9 11, और 11 में 7 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 18. तो क्या ये 7 इस कॉलम के लिए परफेक्ट था? लेट्स चेक. 7 प्लस 8 15 प्लस 3 18 मींस यहां पे क्या आएगा 7. तो ऐसे ही कुछ आपको स्पेसेस ब्लैंक मिलेंगे और उनको रिफिल करना अकॉर्डिंग टू दियर सम्स. ओके, आर यू गेटिंग? सो लाइक दैट यू विल गेट द सम क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज. एंड एक्सरसाइज इज व्हाट? एक्सरसाइज व्हाट? 3B. ओके, सो यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज केयरफुली. बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज वॉच दिस carefully and understand, then after attempt your exercise. For today only up to this. We will meet in next class. Tab tak ke liye bye bye, take care.